कर दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एक गलत फहमी की वजह से टूटेगी इस समय पलकी की शादी, और पलकी की शादी टूटने पर इस समय पलकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों जो पलकी प्यार करती है वो किसी और से नहीं बल्कि वो तो राजवीर से प्यार करती है। हालाँकि इस चीज़ में पलकी सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रही है कि चलो अच्छा हुआ कि मेरी शादी इससे टूट चुकी, क्योंकि पलकी तो खुद भी नहीं चाहती थी किसी और लड़का से शादी करना। हालांकि पलकी के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था, इसीलिए पलकी ने शादी के लिए हामी भरी थी। लेकिन अब कहानी में एक और नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से पलकी एक चीज़ और बोलती हुई नज़र आने वाली है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है राजवीर। लेकिन दोस्तों वहीं बात की जाए तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा प्रीता का एक ऐसा चीज़ जो कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इधर आएगा करण, आएगा मंदिर और करण के हाथ से थाली ऐसी उछल के सीधा प्रीता की मांग भरती हुई नज़र आने वाली है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं प्रीता इधर एक सेंसेबल लड़की है, काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली लड़की है, और प्रीता के होते हुए कभी भी किसी के साथ में आज तक कभी भी बुरा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों प्रीता की मांग में जो सिंदूर भरेगा वो किसी और का नहीं होता बल्कि करण का होता है, और आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि जब लूथरा परिवार का होगा आखिरकार प्रीता और सृष्टि दोनों बहनों से आमना सामना है। क्योंकि सृष्टि अभी छुट्टी बिताने के बाद में सीधा मुंबई लौटती हुई नज़र आने वाली है, और मुंबई आकर बोलती हुई नज़र आ रही है कि अब बताओ कि होना क्या है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोगों की स्थिति जो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं। साथी दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं हूँ रोहित नागर। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। आप लोगों के लिए दिल से थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए गाइस।